समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी, भाईचारा मिलन का संदेश देने वाले मोहम्मद साहब, नारी को सम्मान गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूरदान, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, खंड खंड भारत को अखंड भारत में तब्दील करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, प्रवासी सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, अहिल्याबाई होलकर, पृथ्वीराज चौहान, संत गाडगे सहित सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिस उम्मीद के साथ आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है, हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। आज 19 साल पार्टी को बने हो गया है। भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। नहीं ताली में दम नहीं, खाली चिल्ला रहे हो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ हमारे के तरह, दोनों हाथ जोरदार ताली बजा करके भाई का स्वागत करो, हाथ नीचे करो। मंच पर बैठे हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, हमारे राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रेमचंद प्रजापति जी, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसागर बिंद जी, जनता उन्नत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनिल चौहान जी, सतीश बंजारा जी, हमारे गुलाब खंगार जी, सुनील अर्कवंशी जी, जरा खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। आप देखा हमार बात सुना, ठीक ना? नहीं यार, देखा तू लोग हमार बात सुना, कितना जने हमार बात सुनबा, हाथ उठावा। अच्छा ये बतावा, देखा हम भाषण न दे, भाषण तो यहाँ बैठल हुआ गई है, ये बतावा कितना जने बिजली के बिल से परेशान है, तो यहाँ उठावा, परेशान है या नहीं? तो आज देखा यहाँ महापंचायत बा, यहाँ वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत बा, बोला जे बिजली के बिल से एक प्रदेश में परेशान हो, तो बिजली के बिल से जे जे परेशान हो, हाथ उठौला सब लोग, उठौला न परेशान है न, दोनों हाथ उठावा जे जे परेशान हो। देखा आज आपके सामने आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेके आया हूँ, 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूँ। आप बतावा हमार, देखा बात साफ साफ सुना भैया, बैठल हूँ, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आल है। आप बोला कितना जने बिजली का बिल माफ करेबा, नहीं दोनों हाथ उठावा, माफ करेबा न, ई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पावर देले हुन वोटे से, आपके ओर से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी दिन शपथ लेते ही घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, ये कानून हम लोग बनाना चाहते हैं। दूसर काम, अब दूसर काम सुना, दूसर बात का हो, कितना लोग महंगाई से परेशान हुआ, तो हाथ उठावा, दोनों हाथ उठावा, महंगाई से परेशान हुआ ना, तो महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ, कितना लोग महंगाई से छुटकारा चाहत हुआ, हाथ उठावा, छुटकारा चाहत हुआ ना, यही बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लेके आल है नया। बहुत सा विरोधी कहियन कि ओम प्रकाश राजभर, अरे ओम प्रकाश राजभर वो चीज है ना, 22 में आपको मिलने जा रहा है, महंगाई के सवाल पे जोन बहन लखनऊ और दिल्ली में बैठल दुनिया में अगर एक नंबर का झूठा
अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। बोलो है कि नहीं है? एक नंबर का झूठा और दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। बोलो दोनों को बदलना है कि नहीं बदलना है? कितने लोग बदलना चाहते हो? चाहते हो? ये हमने के भाषण सुनौलन, महंगाई कम हुई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के कितना कैलन 1000, सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कितना कैलन, पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के कहां कैलन, 100 बार डीजल 55 रुपया से कहां पहुंचौलन, और देखा रहरी का दाल 50 से कहां पहुंचौलन, 100 बार सबोला महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ, जे महंगाई से निजात चाहत तो हाथ उठावा, बंगाल में खेला होबे के नारा लगल रहल, कहा लगल रहल, बंगाल में खेला होबे के नारा लगा और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई, लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे, कहा होबे, जोर से बोलिए, कहा होबे, खदेड़ा होबे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा तब वोट का बात करा, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का फाव जाओ, अखिलेश यादव जी का फाव जाओ, एक फाव से टकराने की हिम्मत अब मत करना, अब तेरी विदाई का टाइम ओम प्रकाश राजभर। बोला उत्तर प्रदेश में योगी जी का विदाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए, कितना लोग विदाई चाहत हुआ हाथ उठावा, विदाई चाहत हुआ न, कई बतावा ये लड़ाई के लड़ी, ये लड़ाई लड़ी हाथ उठावा, लड़ाई लड़वा न। अब आगे देखा ई बतावा जे करे घरे पांच लोग हो, पांच पर एक परिवार में, और राशन कार्ड में दुहिया लोगन का नाम हो तो बतावा राशन पांचों लोगन के मिली ना मिली। यही बदे आज माननीय अखिलेश यादव जी के बोलौले आई 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है साथियों। बोला कितना जनी चाहता कि जातिवार जनगणना होए के चाहिए, हाथ उठावा दे रही, हाथ उठावा तब मानव ईश्वर काम करता है, कोई भी गरीब किसी जाति का हो अगर वो बीमार होता है उसका इलाज के लिए पैसा नहीं है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया माननीय अखिलेश यादव जी से दिलाऊंगा और गरीबों का इलाज फ्री में कराने का कानून पास करूंगा। बोलो सही है कि नहीं सही है? ये तुम लोग चाहते हो कि कानून बन जाए, चाहत हुआ न? देखा भीतरा भैया मुझकी याद हमन, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और काबा योगी जी बेचारे, योगी जी महात्मा हमन, अभी अन्ना पशु जोन मिलत रहना बुंदेलखंड में, आई बुंदेलखंड से अन्ना पशु बढ़ा के पूरे उत्तर प्रदेश में ला दिया, आज किसान डंडा लेके रात को अपनी फसल अगोड़ रहा है और ये कैन की नींद योगी सो रहा है, इस नाते ये किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। एनपीके 265 रुपया बढ़ा दिया, डाई 50 किलो से 5 रुपया कम कर दिया, और ये किसानों का धन दुगुना करने की बात करते हैं। घबराओ नहीं योगी जी, ये ओम प्रकाश राजभर है, अगर सत्ता पे बैठाना जानता हूं तो सत्ता से उतारने की भी हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। बोलो है कि नहीं? कितने लोग चाहते हो कि सत्ता से योगी को हटा दिया जाए? दोनों हाथ उठाओ जोर से और ताली बजा करके स्वागत करो। आप अच्छा ये बतावा, देखा हमारा झगड़ा भैया तई सुन मरते